फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और उसके बाद हम सीखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इन सारे टर्म को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में पढ़ते हैं कि जो करंट को फ्लो करने का अप्रोच करता है उसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो वहां पर सीखते हैं ऐसे फैक्टर्स जो करंट को फ्लो करने के लिए अप्रोच करते हैं उनके बारे में वहां पर हम सीखते हैं। लेकिन कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस वो फैक्टर है जिससे करंट फ्लो करने में हेल्प होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट रेजिस्टेंस का रिवर्स है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो करने को रोकता है, उसको रेजिस्टेंस ओवर करता है। लेकिन कंडक्टेंस में क्या होता है? करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं वहां पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट न करके कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कंडक्टेंस है क्या? वो फैक्टर्स हैं जो करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस जस्ट रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो करने का अप्रोच करता है। कंडक्टेंस क्या होता है? करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं जी से। द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है उसे बोलते हैं हम कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो जी इक्वल टू का 1/r। अब यूनिट क्या आएगा? आर का यूनिट होगा ओम। तो ऊपर ले जाएंगे यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं तो मोहो भी बोल सकते हैं सर, MHO। और इसके अलावा एक और यूनिट होता है इसका सीमेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ठीक, तो ये था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? वो सारे फैक्टर्स हैं जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में। अब देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स में रेजिस्टिविटी होता है वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होता है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हम जानते हैं फॉर्मूला रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रो क्या? रेजिस्टिविटी है। एल होता है वायर का लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन अब यहां पर हम बात करें तो यहां पर आर और रेजिस्टिविटी की होगा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एल क्या होगा? वहां पर एल होता है वायर का लेंथ। एल होगा जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो प्लेट्स पड़े हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ए क्या होगा? जो प्लेट पड़ा हो उस प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे 1/r, l / a 1/ρ। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको डिफाइन करेंगे हम, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो उसको हमने k से डिनोट कर दिया और k होता है कप्पा। इसको पढ़ते हैं कप्पा। और यही है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r g इक्वल होता है g into l / a। और थोड़ा कभी कभी ध्यान रखना L by A क्या होता है? कॉन्स्टेंट होगा पर्टिकुलर सेल के लिए। तो ऐसे भी फॉर्म आ जाता है कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। और जी स्टार यहाँ पर इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। जी क्या है? कंडक्टेंस है। जी स्टार क्या है? सेल कॉन्स्टेंट है। और जी स्टार की वैल्यू क्या होती है? एल बाई ए। इसको आप अब देखते हैं कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। इसको पढ़ते हैं कप्पा। कप्पा इक्वल टू 1/ρ। और कप्पा के अगर फॉर्मूले पे ट्रैक करते हैं कप्पा इक्वल टू जी इनटू एल बाई ए। तो यूनिट क्या निकलेगा? जी का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के यूनिट होता है सीमेंस, तो ऐसा जाएगा। और एल का यूनिट मीटर, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो आएगा ऐसे मीटर इनवर्स। तो यूनिट हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स। और जी का यूनिट हो सकता है ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और क्या हो सकता है? महो हो सकता है, तो महो मीटर इनवर्स। एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं। एल 1 ओम मींस इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 ओम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ओम, तो कप्पा इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है?
कि कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस, लेकिन कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स भी क्या हो 1। तो दूसरा डेफिनेशन यहां से, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जीरो नहीं, सेंटीमीटर है, यहां पर आप मीटर भी ले सकते हैं। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड हैविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक, इसको आप नोट कीजिए। अब देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन V इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्वड इन V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्वल, इसको बढ़ते लैम्डा से। तो जरा समझते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। हमें क्या करना है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो। तो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस हो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, तो जो भी कंडक्टिविटी होगी उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऐसा होता मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता, वो वॉल्यूम जिसमें एक मोल प्रेजेंट हो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसे बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, वो वॉल्यूम जिसमें किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू वी। यहां पर ध्यान रखना वी क्या है, कप्पा तो जानते हैं कंडक्टिविटी, वी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी इज द वॉल्यूम व्हिच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। वी वो वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। सपोज करो ऐसे कि मैंने 2 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कोई वॉल्यूम है उसमें 1 लीटर में प्रेजेंट है। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है और उसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो यहां पर हम V 1 लीटर नहीं लेंगे, वी वो वॉल्यूम लेंगे जहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसमें प्रेजेंट होगा 1/2 लीटर। तो यहां पर V आएगा 1/2। अब यूनिट जरा देखते हैं, ये यूनिट वो यूनिट कैसा है उसके लिए थोड़ा सा कांसेप्ट समझते हैं। अब यहां पर V का यूनिट क्या होगा, और जो हमने लिखा V का यूनिट लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पर भी लिखा हुआ लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये कांसेप्ट कहां से आया, इसके लिए जरा हम मोलैरिटी समझ लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे हम मोलैरिटी। देखते हैं कि 2 लीटर में 10 मोल्स प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे 10/2 मोल। तो अभी क्या किया हमने, यहां पर मोलैरिटी की यूनिट क्या होता, मोल पर लीटर होता। तो आया कैसे, 2 लीटर में प्रेजेंट है 10 मोल, तो 1 लीटर में क्या प्रेजेंट होगा 2 लीटर क्वांटिटी को पूरा डिवाइड भेज देंगे, तो यूनिट के साथ डिवाइड में आएगा, तो 10/2 आ जाएगा 5, वो यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। तो जिस भी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं वो क्वांटिटी यूनिट के साथ डिवाइड करते हैं। तो इधर भी देखते हैं, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, वहां पर हमें ऐसे वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है जहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, तो वी हमें वो वॉल्यूम लेना है जहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसमें प्रेजेंट होगा 1/2 लीटर में। लेकिन अब यूनिट की बात करें तो यहां पर यूनिट था 1 लीटर, 2 को नीचे ले जाएंगे तो यूनिट के साथ जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा वॉल्यूम के यहां पर लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पर वॉल्यूम का यूनिट लीटर नहीं है, यहां पर वॉल्यूम का यूनिट है लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं लैम्डा इक्यू का एक और फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन n। तो यदि हमें यूनिट जो वॉल्यूम का था वहां पर वॉल्यूम के यूनिट रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे बचने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला बेस्ट है, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। बस वहां पर एक चीज ध्यान रखना है, वॉल्यूम का यूनिट होगा लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट, अदरवाइज उसमें दिक्कत है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन n,
लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि कप्पा का यूनिट हमेशा किस में रखना है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में रखना है। नॉर्मेलिटी यूनिट तो नॉर्मल ग्राम यूनिट पर मीटर तो वैसे पुट कर देना हमें, लेकिन जो लैम्डा इक्यू आएगा वो आंसर आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम यूनिट। ये फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले आपको कुछ यूनिट लर्न करने पड़ेंगे। ठीक, उस वाले फॉर्मूले में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे किसी भी यूनिट में रख सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना पर बी का यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर की, जो भी आप वॉल्यूम यूनिट रखोगे उसी टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है बेटा, हमें ऐसा वॉल्यूम लेना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो, और जब 1 मोल प्रेजेंट होगा तो उसका जो भी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होगा उसे बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, डिफाइन करते हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन वी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्वड इन वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। मींस ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जहां पर सब्सटेंस का 1 मोल प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, फिर से यहां पर ध्यान रखना वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना वी वो वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। अब फिर से यहां पर वी का यूनिट ध्यान रखने वाली बात है क्या होगी, तो यहाँ पर यूनिट वी का होगा लीटर पर, और उसी तरीके से निकालेंगे हम जैसा अभी निकालते हैं इक्विवेलेंट वाले केस में। तो यहाँ पर वॉल्यूम यूनिट होगा लीटर पर मोल। ठीक, तो ध्यान रखें कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसके यूनिट का सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और वी क्या है वॉल्यूम जिसके यूनिट है लीटर पर मोल। जरूरी नहीं कि वॉल्यूम लीटर में ही नहीं, वॉल्यूम यहाँ पर ले सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, जो भी हो उस पर में ले सकते हैं आप, बाकी यूनिट उस पर लैम्डा एम का आ जाएगा। लेकिन यदि इस फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है आपको तो एक और फॉर्मूला बहुत इजी, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। लेकिन फिर से यहाँ पर हमें मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कप्पा यहाँ पर रखने का मोल टाइम सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, मोलैरिटी यूनिट तो नॉर्मल होता मोल्स पर लीटर, और तो जो आंसर निकल के आएगा लैम्डा एम का आंसर आएगा वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो ये था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो आज हमने सीखा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो आज इनके हमने डेफिनेशन और फॉर्मूलाज कर लिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।